हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ रबर बैंड से दोस्तों हम एक सिंपल फ्लाइंग प्लेन को बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। दोस्तों लास्ट में इस प्लेन को हम टेस्टिंग भी करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 30 सेंटीमीटर के स्टिक को लेनी है, साथ ही साथ दोस्तों एक छोटे से वुड पीस को लेकर इस पीस को हम स्टिक के स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों उस जगह पर इस तरह से रखकर इन दोनों को इंस्टेंट ग्लू यूज़ करके चिपका देना है। दोस्तों इस तरह से चिपकाने के बाद हम एक पेन की रिफिल लेकर दोस्तों एक सीजर की मदद से इसमें से एक छोटी सी पीस दोस्तों हम कट कर लेनी है। इस तरह से कट करने के बाद इस पीस को हम स्टार्टिंग में इस तरह से रखकर इन तीनों के ऊपर थोड़े से थ्रेड दोस्तों लपटनी है। दोस्तों इस तरह से थ्रेड को लपटने के बाद हम इंस्टेंट ग्लू लेकर इन तीनों को एक साथ जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद हम एक छोटी सी नीडल को लेना है। दोस्तों इस नीडल को हम कटिंग ब्लेड की मदद से यू शेप में फोल्ड कर लेनी है। दोस्तों इसे फोल्ड करने के बाद इस नीडल को हम जो हमारी स्टिक है दोस्तों उसके बॉटम में इस तरह से रखकर कटिंग ब्लेड की मदद से दोस्तों इसे हुक शेप में हम बना लेनी है। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हम बना लिए थे। उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर भी तरह से थ्रेड लपट कर इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसे भी टाइट से चिपका देते हैं। दोस्तों उसके बाद हम इस तरह से एक पिन लेकर दोस्तों इस पिन को कटिंग ब्लेड की मदद से स्ट्राइट कर लेनी है। दोस्तों इसे स्ट्राइट करने के बाद हम एक प्रोपेलर लेकर इस प्रोपेलर के बीच में एक छोटा सा होल करके दोस्तों इस होल के अंदर इस पिन को इंसर्ट कर देना है। दोस्तों इन दोनों को हम इंस्टेंट ग्लू यूज़ करके अच्छे से जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इन दोनों को चिपकाने के बाद हमारा जो मेन फ्रेम है उसे लेनी है, साथ ही साथ दोस्तों हम एक छोटा सा मनका लेकर इस मनके को दोस्तों हम जो हमारी नीडल है उसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करनी है। दोस्तों इस तरह से डालने के बाद इस नीडल को हम जो हम रिफिल लगाए थे स्टार्टिंग में उसके अंदर दोस्तों इंसर्ट करके कटिंग ब्लेड यूज़ करके दोस्तों इसे अभी हम हुक शेप में बना लेनी है। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हम बना लिए थे। उसके बाद दोस्तों हम जो डाइमेंशंस विंग्स के लिए हम पेपर के ऊपर ड्रा किए थे वही डाइमेंशंस के छोटे छोटे स्टिक्स दोस्तों यहां पर कट करके ले लेना है। दोस्तों स्टिक्स को हम पेपर के ऊपर अरेंज कर लेनी है। दोस्तों इस तरह से स्टिक्स को अरेंज करने के बाद हम इंस्टेंट ग्लू लेकर इन सबको एक साथ जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से फ्रेम्स को बना लेने के बाद हमें कलर पेपर को लेनी है। पहले दोस्तों हम जो बड़ी विंग है उसे लेकर इस पेपर के ऊपर रखकर दोस्तों इंस्टेंट ग्लू की मदद से इस स्टिक को पेपर के ऊपर चिपका देते हैं। दोस्तों इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इस पेपर को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते हैं और सेकंड कलर का पेपर लेकर दोस्तों जो रिमेनिंग पार्ट्स है दोस्तों उनको भी सेम प्रोसीजर रिपीट करके चिपका देते हैं। दोस्तों इस तरह से बना लेने के बाद हम एक सीजर लेकर जो एक्स्ट्रा पेपर है दोस्तों उसे हम परफेक्टली कट करके रिमूव कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम पूरे पार्ट्स को बना लेनी है। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हम विंग्स को बना लिए थे। उसके बाद दोस्तों इसी तरह एक और बड़ी विंग को हम बना लेना है। ऑलरेडी दोस्तों हम बना दिए थे, वो भी आप देख सकते हो।
उसके बाद दोस्तों इन दोनों को रिमूव करके छोटे छोटे डब्बे को लेनी है। पहले दोस्तों इस विंग्स को हम इस तरह से सम एंगल में दोस्तों अरेंज करके इंस्टेंट ग्लू यूज़ करके इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से जॉइंट करने के बाद इस बॉक्सेस को रिमूव करके जो हमारा मेन फ्रेम है दोस्तों उसे लेकर इस विंग्स को मेन फ्रेम के ऊपर दोस्तों सेंटर में इस तरह से रखकर इसे भी दोस्तों ग्लू यूज़ करके जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इस तरह से जॉइंट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स है दोस्तों उनको भी लेना है। पहले दोस्तों इस विंग को लेकर स्टिक के बॉटम में इस तरह से रखकर इसे भी जॉइंट कर देते हैं। दोस्तों इसे भी जॉइंट करने के बाद जो लास्ट विंग है दोस्तों उसे लेकर हम इसे भी स्टिक के ऊपर जॉइंट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ्लाइट 90% बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम जरे से लबर बैंड्स को लेना है। पहले दोस्तों दो लबर बैंड्स को लेकर एक के अंदर एक इंसर्ट करके इस तरह से दोस्तों हम थ्रेड जैसे बना लेना है। इसी तरह दोस्तों हम 5 या 6 लबर्स डालकर दोस्तों हम थ्रेड को बना लेनी है। दोस्तों रबर बैंड्स की थ्रेड को बना लेने के बाद जो हमारी प्लेन है दोस्तों उसे लेनी है। दोस्तों प्लेन को घुमाकर जो हम रबर बैंड्स को बनाए थे उसका एक एंड लेकर दोस्तों जो बॉटम में हुक है वहां पर दोस्तों इसे लगा देनी है। दोस्तों सेकंड एंड को जो हम प्रोपेलर का हुक बनाए थे उस जगह पर इसे लगा देनी है। दोस्तों इस तरह से प्लेन को बना लेने के बाद हम प्लेन को सेंटर में पकड़कर दोस्तों इस प्रोपेलर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट से रोटेट करना है। दोस्तों इस तरह से रोटेट करने के बाद हम इस प्रोपेलर को रिलीज कर देना है। इस तरह से दोस्तों ये प्लेन काम करती है। चलिए दोस्तों अब हमें रियल में इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।